ये हैं पंडित परमानंद, बुंदेलखंड के महान क्रांतिकारी, जिनको हम लोग बुंदेलखंड का वीर सावरकर भी कहते हैं। इनकी आज जयंती है, 134वीं जयंती। पंडित परमानंद रानी लक्ष्मीबाई के बाद बुंदेलखंड के ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थी, और इनको सबसे लंबी सजा काले पानी की मिली। इनको 23 वर्ष का आजीवन कारावास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काटना पड़ा, काले पानी की सजा काटनी पड़ी। तो ये पंडित परमानंद, आज इनकी जयंती है, और इनकी खास बात ये भी है कि ये देश आज़ाद होने के बाद नेहरू जी ने इनकी कुर्बानियों को देखते हुए इनको पहली नेहरू सरकार में शामिल करने के लिए एक मंत्री पद का ऑफर दिया, लेकिन इन्होंने ये कहकर मना कर दिया और ये मंत्री पद ठुकरा दिया कि हमने आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की जंग इसलिए नहीं लड़ी थी कि हम जो है सत्ता पाना चाहते हैं, पद पाना चाहते हैं, और आज़ादी के बाद ये गुमनामी में 35 वर्ष तक अकेले रहते रहे। झांसी में इन्होंने बाकी वक्त गुजारा, और 13 अप्रैल 1982 को इन्होंने झांसी में ही अंतिम सांस ली। तो ऐसी महान शख्सियत पंडित परमानंद हैं। इनसे, इनके जीवन से जुड़े एक दो किस्से मैं और बताऊंगा। इनको देख के आपको बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी और सफ़ेद कुर्ता पजामा और सदरी में ये जो शख्सियत है, इसके बारे में मैं आपको कुछ और चीज़ें भी अभी बताने जा रहा हूँ। मैं परमानंद चौक पर खड़ा हूँ आज, और पंडित परमानंद के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आज उनकी जयंती है। 1889 में वो आज ही के दिन हमीरपुर जनपद जो है उसमें एक सरीला जगह है, सरीला तहसील, उसके सिकरौंधा गांव में वो पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम गया प्रसाद और माताजी का नाम सगुन देवी था, लेकिन दोनों की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। करीब ये 10 वर्ष के थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनको दादाजी ने पाला पोसा, जो चरखारी में रहते थे, और उन्हीं के साथ ही रहे, और उन्हीं से इन्होंने आज़ादी की जंग में शामिल होने की प्रेरणा ली, क्योंकि इनके दादा का नाम था मनराखन खरे, और उन्होंने इनको पाला पोसा। चरखारी के राजा, चरखारी में उन्होंने एक अंग्रेजों का खजाना लूटा था, उसके बाद वो उनको भी जेल हो गई थी, और जेल में ही उनकी मृत्यु हुई थी। उससे बेहद आहत होकर इन्होंने भी आज़ादी की जंग में कूदने का फैसला लिया, लेकिन पंडित परमानंद, जैसा कि नाम है उनका, उससे लगता है कि वो पंडित थे, पर उनको पंडित की उपाधि दी गई थी, और ये उपाधि उनकी विद्वता को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये तो कायस्थ थे, लेकिन इनको पंडित की उपाधि दे दी गई थी। 22 भाषाओं के ज्ञाता थे वो, और एक बार सिंगापुर में इन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि वहाँ की सेना में विद्रोह हो गया, क्योंकि वहाँ की सेना में जो अंग्रेजों की सेना थी, भारतीयों की तादाद आधी से ज़्यादा थी, उनमें विद्रोह हो गया और उन्होंने 600 अंग्रेजों की हत्या कर दी। तो ऐसे पंडित परमानंद थे, उनकी वाणी में इतना ओस था। तो सुभाष चंद्र बोस ने प्रभावित होकर इनका नाम पंडित परमानंद कर दिया।
तभी से ये पंडित परमानंद के तौर पे जाने जाते थे। और ये मानते थे कि जब तक सशस्त्र क्रांति नहीं होगी तब तक अंग्रेजी हुकूमत से हम नहीं निपट सकते। उसके लिए इन्होंने हथियार इकट्ठे करने की कोशिश करी। एक बार अमेरिका से पानी के जहाज से ये हथियार लेके आ रहे थे। 6,000 राइफल्स थी, बम थे उसमें और सब कुछ था। उसके बाद हुआ ये कि इनके एक साथी ने मुखबरी कर दी और ये पकड़े गए। तभी कोर्ट में मुकदमा हुआ और 1914 में इनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। और उसके बाद ये 1935 तक लगातार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था। लेकिन इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ महोबा में ये जो चौक बना है परमानंद जी के नाम से, पंडित परमानंद चौक, ये उनकी जन्म शताब्दी जब 1989 में थी तो 15 अगस्त को साहित्य परिषद ने इस चौक का निर्माण करवाया था और उनको श्रद्धांजलि दी। हम लोग चाहते हैं कि उनके नाम से कुछ बड़ा होना चाहिए। हमारा पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भंडार है, लेकिन इनके नाम से आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनना चाहिए, पंडित परमानंद आयुर्वेद विश्वविद्यालय। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि पंडित परमानंद के नाम से महोबा या आसपास किसी भी जगह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाया जाए ताकि जो है आगे आने वाली पीढ़ी उनको जान सके। हम उनको सत सत नमन करते हैं, पंडित परमानंद जी को, ऐसे महान क्रांतिकारी को जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए निछावर कर दिया, लेकिन कुछ भी कोई भी पद नहीं लिया, कोई सत्ता लुलुपता नहीं दिखाई, जो आज के नेताओं को सीखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय बुंदेलखंड।